हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लाउजेस की। फिर से एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे कुछ टिप्स शेयर किए थे कि कैसे आप अपनी साड़ीज के साथ ब्लाउजेस को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, किस तरह के ब्लाउजेज आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल है। उस वीडियो में आपने बहुत सारे मुझे कॉमेंट्स किए कि मैं कुछ ऐसे ब्लाउज डिज़ाइन आपको बताऊँ जो परफेक्ट हों उन लेडीज़ के लिए, स्पेशली जिनकी अपर बॉडी थोड़ी सी हैवियर साइड पे है, जिनके आर्म्स थोड़े से हैवी हैं, जिनका बस्ट या थोड़ा सा हैवी है, तो वो किस तरह के ब्लाउजेज अपने लिए चूज़ करें। सो आज के इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे सही ब्लाउजेज पिक करने। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लीव डिज़ाइन की। स्लीव्स कैसी हों, अगर आपका अपर बॉडी पार्ट काफ़ी हैवियर साइड पे, आपके आर्म्स थोड़े से मोटे हैं, आपके ब्रेस्ट थोड़ी सी हैवी है, आपके शोल्डर्स थोड़े से भरे भरे टाइप के हैं, तो आप फुल लॉन्ग स्लीव्स रख सकते हैं अपने ब्लाउजेज में, क्योंकि इस तरह की जो स्लीव्स होती है ना, वो आपके हाथों को थोड़ा सा लंबा दिखाती हैं। एंड अगर आपके आर्म्स लंबे दिखेंगे तो थोड़े से पतले भी दिखेंगे, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए फुल लॉन्ग स्लीव। कोई भी साड़ी हो, आप लॉन्ग फुल स्लीव्स का ब्लाउज उसके साथ पेयर कर सकते हैं। हाँ, कई बार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है फुल स्लीव्स के ब्लाउजेस को पहनना, क्योंकि जब आप अपने आर्म्स को फोल्ड करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है पूरे दिन के लिए, स्पेशली अगर आप साड़ी पहननी है, पूरे दिन के लिए साड़ी पहनना चाहते हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, कोई टीचर हैं, आप अपने स्कूल में अगर आप पूरे दिन के लिए साड़ीज़ पहनना चाहते हैं, देन फुल स्लीव्स के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेचेबल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। कोई आप क्रॉप टॉप ले सकते हैं, किसी क्रॉप टॉप को जो फुल स्लीव्स में है, जिसमें लॉन्ग स्लीव्स हैं, ऐसा कोई क्रॉप टॉप आप अपनी साड़ी के साथ पैक कर सकते हैं, जो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल मटेरियल भी जिसमें होगा, वो कंफर्टेबल रहेगा आपको पूरे दिन पहनने के लिए भी, एंड आपको एक स्मार्ट लुक भी मिलेगा। सो अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है अपने ब्लाउजेज में फुल लॉन्ग स्लीव्स, अगर आप ब्लाउजेज नहीं पहन सकते, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेचेबल मटेरियल ढूंढिए एंड फिर उस फैब्रिक में आप अपने लिए ब्लाउजेज स्टिच करा सकते हैं। स्पेशली जो स्लीव्स वाला पार्ट है वो आप उस फैब्रिक में रख सकते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेची मटेरियल आप ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन है कि आप 3/4 स्लीव्स पहन सकते हैं। 3/4 स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, उसमें जो आपके आर्म्स हैं वो थोड़े से पतले दिखते हैं एंड आपका जो बस्ट एरिया है वो भी थोड़ा सा स्लिम दिखता है, तो लॉन्ग स्लीव्स तो आप पहन ही सकते हैं, साथ ही साथ 3/4 स्लीव्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज़ एल्बो स्लीव, जो यहाँ तक की जो स्लीव्स होती हैं वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको फुल स्लीव्स पहनना पसंद नहीं है तो आप इतनी स्लीव्स में अपने ब्लाउजेस को रख सकते हैं, एल्बो तक जो स्लीव्स आती हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, उसमें आपका जो सारा आर्म फैट है वो उसमें छिप जाता है एंड बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपके आर्म्स काफ़ी हैवी हैं, आपका बस्ट एरिया काफ़ी हैवी है। तो अपर बॉडी पार्ट को अगर आपको स्लिम दिखाना है थोड़ा सा, तो इन तीनों स्लीव डिज़ाइन को आप कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अगर आपको शॉर्ट स्लीव्स पहनना पसंद है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए शॉर्ट स्लीव्स, क्योंकि शॉर्ट स्लीव्स में क्या होता है, जब आपकी स्लीव्स यहाँ पर आती है ना, तो आपके एक तो आर्म्स जो हैं वो थोड़े से उसमें ज़्यादा बल्की दिखते हैं एंड प्लस आपका जो आर्म का लेंथ है वो थोड़ा सा कम दिखता है, आपकी आर्म्स थोड़ी सी छोटी दिखती हैं, प्लस जब आप इतनी स्लीव्स पहनते हैं तो आसपास का एरिया काफ़ी हाईलाइटेड दिखता है, तो अवॉइड कीजिए ऐसी स्लीव्स। बट स्टिल अगर आपको शॉर्ट स्लीव्स पहनना पसंद है, तो मैं आपको कहूँगी कि उनको आप फिटिंग में मत रखिए, हल्का सा आप थोड़ा सा उनको लूज़ छोड़िए, हल्का सा लूज़ रखेंगे तो आपकी जो इतने फ्लैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे एंड थोड़ा सा बैलेंस लुक मिलेगा आपकी आर्म्स को, आपका बस्ट एरिया थोड़ा सा टोन्ड दिखेगा। बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा इस वाले पोर्शन को अपनी स्लीव्स को, क्योंकि टाइट होने से ज़्यादा फ्लैप्स नज़र आते हैं। उनको सिंपल सॉलिड कलर में रखिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जिस कलर की साड़ी है उसी कलर का आप फिर ब्लाउज रखिए, अगर आप स्पेशली शॉर्ट स्लीव्स अगर आप पहनना चाहते हैं तो जिस कलर की साड़ी है उसी कलर का ब्लाउज रखिए, प्लेन सिंपल कलर में रखिए, एकदम प्लेन में, कोई डिज़ाइन मत रखिए उसमें, बिल्कुल प्लेन में रखेंगे साड़ी के मैचिंग का रखेंगे, तो आपका जो लुक है ओवरऑल, आपकी जो अपर बॉडी है वो काफ़ी बैलेंस दिखेगी एंड बहुत ज़्यादा फ्लैप्स नज़र नहीं आएंगे एंड बहुत ज़्यादा आप हैवियर साइड पर नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये पैर किया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, मेरी साड़ी का जो बेस है वो ब्लैक कलर में है, तो मैंने इसके साथ ब्लैक कलर का ही ब्लाउज़ पहना हुआ है, तो सेम कलर में है दोनों। इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशंस रखेंगे अपनी साड़ी का और ब्लाउज़ का, तो काफ़ी अच्छा आपको स्मार्ट लुक मिलेगा, आप शॉर्ट स्लीव्स भी पहन पाएंगे एंड ओवरऑल आपका अपर बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवियर साइड पे नहीं दिखेगी। सो अगर मैं बात करूँ स्लीवलेस ब्लाउजेज़ की, तो बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि अगर आपके आर्म्स हैवी हैं, अगर आपकी बस्ट हैवी हैं, तो आपको स्लीवलेस ब्लाउजेज़ को अवॉइड करना है। येस, आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है स्लीवलेस ब्लाउजेज़, तो मैं आपको कहूँगी कि आप स्लीवलेस ब्लाउजेज भी पहन सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा उसकी फिटिंग पे। मेक श्योर जो आपकी स्लीव्स हैं वो यहाँ पर फिनिश हो,
यहाँ से कट आए, बहुत ज़्यादा डीप कट में ना हो, या फिर हॉल्टर नेक स्टाइल में ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रैपी ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्किन शो होता है ना हैवी बॉडी पे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी हैवी दिखती है। जितनी ज़्यादा स्किन दिखेगी उतने ज़्यादा आपके फ्लैब्स नज़र आएंगे, तो हमें उनको भी हाइड करना है, प्लस थोड़ा सा अपने ब्लाउज़ को भी स्टाइलिश रखना है। तो आप स्लीवलेस रखिए, लेकिन यहाँ तक उसको रखिए, बिल्कुल अंदर से आप उसकी जो मतलब कट स्लीव्स होती हैं वो अंदर तक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बाहर तक होनी चाहिए। एंड यहाँ से ये वाला जो पार्ट होता है इसको बहुत ज़्यादा फिटेड मत रखिए, क्योंकि इसी पार्ट से आपको सबसे ज़्यादा फ्लैप्स दिखते हैं। तो जब आप स्लीवलेस पहनते हैं तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट फिट में रखिए, आप बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह उसकी फिटिंग मत दीजिए। उसकी फिटिंग आप थोड़ी सी कुर्ती स्टाइल में रखिए, जैसे कुर्ती हमारी स्ट्रेट होती है यहाँ से, ऐसे उसको स्ट्रेट फिट में रखिए। एंड थोड़ा सा आप जैकेट स्टाइल में अपना ब्लाउज सिलवा सकते हैं, या तो या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा लंबा आप उसको रख सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ से लूज रहेगा, स्लीवलेस रहेगा, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड ओवरऑल आपकी जो अपर बॉडी है वो काफ़ी स्लिम दिखेगी, आपके जो आपका जो बस्ट एरिया है वो थोड़ा सा कम हैवी दिखेगा, आपके आर्म्स भी थोड़े से बैलेंस दिखेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लैब नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप फिटेड रखेंगे ना इस वाले पार्ट को, स्पेशली ये वाला जो एरिया होता है, ये जितना ज़्यादा फिटेड रहेगा उतने ज़्यादा आपके फ्लैब्स नज़र आएंगे। तो यहाँ से उसको कंफर्टेबल फिट में रखिए, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, हल्का सा लूज रखना है कि आप अच्छे से अपने हाथ को मूव कर सकें, बहुत ज़्यादा फ्लैब्स उसमें ना निकल के आएँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक लाइंस की, तो किस तरह के नेक डिज़ाइंस आपको चूज़ करने चाहिए ब्लाउजेज़ में। बेस्ट रहेगा आपके लिए डीप नेक्स जो होते हैं, सिंपल कट डिज़ाइंस जो होते हैं, इस तरह के डिज़ाइंस आप बिल्कुल अपने लिए पिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रखिए अपनी डिज़ाइन को, जितने सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप राउंड नेक में रख सकते हैं, आप स्क्वायर नेक में रख सकते हैं। बेस्ट रहेगा आपके लिए वी नेक्स, डीप वी नेक्स बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी हैवियर साइड पे, अगर आपकी स्पेशली अपर बॉडी थोड़ी हैवी है, तो आप इस तरह के नेक चूज़ कीजिए अपने लिए। वी नेक लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत स्मार्ट भी लगती हैं, काफ़ी ट्रेंड में भी हैं आजकल, एंड बहुत ज़्यादा स्लिमिंग इफेक्ट देती हैं, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन क्रिएट होती है आपकी अपर बॉडी पे। एक्चुअली काफ़ी स्लिम एक इल्यूजन मिलता है देखने वाले को, तो आपके जो आर्म्स हैं वो भी उसमें पतले दिखेंगे। सिमिलरली आप राउंड नेक में रख सकते हैं, स्वीट हार्ट नेकलाइन रख सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि सिंपल रखिए अपने नेकलाइंस को, सिंपल कट, ये जितने भी सिंपल कट्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड एक और चीज़, आप बॉर्डर्स, हैवी एम्ब्लिशमेंट्स, किसी भी वर्क को, किसी हैवी लेस को भी आप अवॉइड कीजिए। ये सारी चीज़ें अपने ब्लाउजेज में मत लगवाइए, क्योंकि अगर आप कोई वर्क करवाते हैं, कोई लेस करवाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपकी अपर बॉडी पे ज़्यादा अटेंशन जाएगा, आपके ब्लाउज पे ज़्यादा अटेंशन जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमें अपनी अपर बॉडी को हाईलाइटेड नहीं रखना है, हमें अपने ओवरऑल लुक को इन्हांस करना है। तो हमें ऐसे केस में हमें अपने ब्लाउज से अटेंशन हटाना है बेसिकली। तो अपने ब्लाउज को जितना सिंपल सटल लुक में रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस केस में आप अपनी साड़ी पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी साड़ी पे आप कोई बॉर्डर या फिर कोई डिज़ाइंस आप अटैच करवा सकते हैं, कोई लेसेस लगवा सकते हैं। ब्लाउज़ को सिंपल रखिए एंड साड़ी को थोड़ा सा डिज़ाइनर आप लुक दीजिए, तो साड़ी पर ज़्यादा अटेंशन जाएगा आपके ब्लाउज से, एंड बहुत अच्छे से आप हाइड कर पाएंगे। एक्चुअली जो चीज़ आप नहीं दिखाना चाहते वो चीज़ आप बहुत अच्छे से हाइड कर सकते हैं इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे। अगर मैं बात करूं क्लोज्ड नेक डिज़ाइन की, जो थोड़े से बंद गले के डिज़ाइंस होते हैं, तो आप वो भी पहन सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सिंपल डिज़ाइंस में रखिए, प्लेन सॉलिड कलर में रखिए, बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्लिशमेंट्स या वर्क को अवॉइड कीजिए। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने लिए क्लोज नेक स्टाइल में भी ब्लाउजेज चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नेक काफ़ी शॉर्ट है, अगर आपकी आपकी जो गर्दन है वो थोड़ी छोटी है, तो आप ऐसे केस में क्लोज नेक डिज़ाइंस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। स्पेशली हाई नेक डिज़ाइंस आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आपकी गर्दन लंबी है तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, हाई नेक डिज़ाइंस पहन सकते हैं क्लोज स्टाइल में, कॉलर नेक स्टाइल्स, कोई भी ऐसे बंद कॉलर वाले जो नेकलाइंस होते हैं उन सबको आप अच्छे से पहन सकते हैं। बट अगर आपकी नेक शॉर्ट है, इस केस में आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज उसमें आपकी नेक और भी ज़्यादा शॉर्ट लग सकती है। बट स्टिल अगर आपको पहनना है क्लोज नेक स्टाइल में, तो मेक श्योर कि आपकी जो कॉलर बोन होती है इससे थोड़ा सा नीचे कट शुरू हो। अगर आप कोई राउंड नेक में छोटा गला अगर आप पहनना चाहते हैं, तो आपकी जो कॉलर बोन है इससे नीचे से आपका वो कट, ब्लाउज का जो कट है वो शुरू हो, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। इससे अगर आप ऊपर रखेंगे तो उससे आपकी गर्दन थोड़ी सी और शॉर्ट दिख सकती है। सो अगर मैं बात करूँ इनसे अलग ब्लाउज डिज़ाइंस की, तो आप ऑफ शोल्डर ब्लाउजेज अपने लिए पिक कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से आप अपना जो फैट हाइड करना चाहते हैं वो अच्छे से आप छिपा सकते हैं। एंड अगेन, प्लेन सॉलिड कलर में रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, स्पेशली डार्क कलर्स में आप रखिए अपने ब्लाउजेज़
ब्लाउजेस के कलर्स को एंड प्लेन सिंपल सोबर डिज़ाइन में रखिए, ऑफ शोल्डर में पहनिए, उसके साथ कोई फिर आप प्रिंटेड साड़ी पहन सकते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट में साड़ी पहन सकते हैं एंड बहुत अच्छे से आप एक स्मार्ट लुक भी क्रिएट कर पाएंगे एंड अपने जितने भी आपका जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको भी आप अच्छे से हाइड कर पाएंगे। सिमिलरली आप कोल्ड शोल्डर नेक डिज़ाइंस चूज़ कर सकते हैं अगर आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं ऑफ शोल्डर नेक डिज़ाइंस में, अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको नहीं पसंद है ऐसा नेक डिज़ाइन, इतना रिवीलिंग आप नहीं पहन सकते हैं, तो आप कोल्ड शोल्डर नेकलाइंस ट्राई कर सकते हैं इस तरह की, जिसमें इतना इतना पार्ट थोड़ा सा दिखता है एंड नीचे आपकी स्लीव्स होती हैं, तो आप फुल स्लीव्स में, 3/4 स्लीव्स में, एल्बो स्लीव्स में, किसी भी तरह की स्लीव्स इसमें चूज़ कर सकते हैं एंड ये नेक डिज़ाइन भी काफ़ी स्मार्ट दिखते हैं एंड आपके प्रॉब्लम एरियाज को भी हाइड अच्छे से करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ प्रिंट्स की, अगर आपके पास कोई प्लेन साड़ी है उसके साथ आपको कोई प्रिंटेड ब्लाउज पेयर करना है तो आप उसके जो प्रिंट्स हैं उनको थोड़ा सा छोटा रखिए, बड़े बड़े प्रिंट्स को आप अवॉइड कीजिए, छोटे छोटे प्रिंट्स को आप पहन सकते हैं, पोल्का डिज़ाइंस, पोल्का डॉट्स होते हैं, छोटे पोल्का डॉट्स आप पिक कर सकते हैं, फ्लोरल पैटर्न कोई जिसमें छोटे छोटे फूल पत्तियों का डिज़ाइन हो वो आप चूज़ कर सकते हैं, जिगजैग पैटर्न्स भी आप चूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप अवॉइड कीजिए एंड वर्टिकल लाइंस को, जो लंबाई में लाइंस आ रही हैं या फिर लंबाई में कोई डिज़ाइन आ रहा है किसी भी प्रिंट का, इस तरह का डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं अपने ब्लाउजेज़ में एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को, मतलब इस तरह से जो डिज़ाइन आ रहा है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं सिंपली। अगर मैं बात करूँ हेयर स्टाइल्स की, तो अगर आप क्लोज नेक पहन रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ऊंचा गला अगर आप पहन रहे हैं, थोड़ा सा छोटा गला पहन रहे हैं, तो इस केस में आप हाई बन बना सकते हैं। हाई बन आप बनाइए या तो कोई भी ऐसा हेयर स्टाइल कर लीजिए जिसमें आपके सारे बाल ऊपर आ जाएँ अच्छे से, कोई ऐसा हेयर स्टाइल आ जाए जिसमें आपका सारे बाल ऊपर आप बांध लें, उसमें क्या होगा आपकी जो ये नेक लाइन है ये काफ़ी लंबी दिखती है, आपकी जो अपर बॉडी है वो काफ़ी स्लिम दिखती है। सो क्लोज नेक स्टाइल या फिर हाई नेक स्टाइल या फिर छोटे गले, इनके साथ आप बालों को बांध के कोई भी हेयर स्टाइल रख सकते हैं, या फिर अगर आप डीप नेक्स पहन रहे हैं, वी नेक्स पहन रहे हैं, तो उनके साथ आप अपने बालों को ओपन भी रख सकते हैं, आप स्ट्रेट रख सकते हैं अपने बालों को, या फिर आप अपनी कोई पोनी कर सकते हैं, कोई ब्रेड हेयर स्टाइल कर सकते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं उस केस में, आप डू भी कर सकते हैं, बट क्लोज नेक डिज़ाइंस में आप अपने बालों को ज़रूर बांधिए, हाई बन बना लीजिए, सिंपल सा स्लीक बन बहुत अच्छा लगता है ऐसे नेक डिज़ाइंस के साथ, ओवरऑल आपका जो लुक है ना वो काफ़ी बैलेंस दिखेगा। तो अगर मैं बात करूँ ज्वेलरी की, तो अगर आपके आर्म्स थोड़े से हैवी हैं, बस्ट एरिया थोड़ा सा हैवी है, तो ऐसे केस में ना आप चोकर्स को अवॉइड कीजिए, चोकर्स या फिर हैवी नेकलेसेस जो इस वाले पोर्शन को हाईलाइट रखें, ऐसे वाले नेकलेसेस को आप अवॉइड कीजिए एंड थोड़े से लॉन्ग में नेकलेसेस पहनिए, पेंडेंट वाले नेकलेसेस आप पहन सकते हैं, या फिर हैवी में भी अगर आपको पहनना है तो आप लेयर्ड वाले लॉन्ग में आप पहन सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है पूरी फुल डिटेल में कि किस तरह के नेकलाइंस के साथ, किस तरह के नेक डिज़ाइंस के साथ आपको कौन से नेकलेस को पेयर करना चाहिए, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस वीडियो के बाद उसको आप ज़रूर चेकआउट करना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है वो भी। सो गाइस, ये थे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जब भी आप अपने लिए ब्लाउज स्टिच करवाने जाएं तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, आप क्रॉप टॉप्स भी पिक कर सकते हैं, इन्हीं टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए क्रॉप टॉप्स भी चूज कर सकते हैं। सो यार, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है अगर ये वीडियो, तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ऑल्सो और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मेरा आईडी है myolivetrunk। So thank you so much for watching guys, मैं आपको मिलती हूँ अपनी next video में, keep smiling and take care, bye!